दिव्य शक्ति दिव्यांग सामाजिक संस्था और नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से नागपुर शहर के दिव्यांग लोगों के मांगों को लेकर नागपुर महानगर पालिका के सामने आंदोलन किया गया। सोमवार को अपनी मांगों को लेकर शहर के सभी दिव्यांग मनपा मुख्य कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि उन्हें शासन द्वारा दिया जा रहे अनुदान का लाभ हो, ई रिक्शा वाटअप साथ ही ई रिक्शा के लिए जो शारीरिक जांच का नियम उसे रद्द किया जाए, साथ ही घरकुल योजना का लाभ मिले। इन सभी मांगों को लेकर सभी लोग दिव्य शक्ति दिव्यांग सामाजिक संस्था और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेतृत्व में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और आयुक्त से मिलने की मांग की। आयुक्त कार्यालय में न रहने से मनपा के अधिकारियों ने उनका निवेदन लिया और आगामी 3 से 4 दिनों में आयुक्त के साथ बैठक ली जाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इन्हीं मांगों को लेकर ये सभी लोग पिछले कुछ दिनों से संविधान चौक पर आमरण अनशन कर रहे हैं। या संविधान चौकामध्ये बेमुदत अनशनचा कार्यक्रम चालू आहे, त्यामध्ये आमची तीनच मागणी होती की 2019 जे अर्थसहाय्य योजनेचा जे 95,000 रुपये होते त्याची संपूर्ण यादी तयार झालेली होती, त्या यादीच्या 300 असो किंवा 400 लोकांची यादी असो त्यांना त्वरितमध्ये अनुदान योजना लागू करण्यात यावे। तसेच 2022 माझे 15 दिव्यांग बांधव यांची ट्रेनिंग झालेली आहे, त्यांना तुम्ही तात्काळमध्ये 95,000 रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावे व त्याचप्रमाणे घरकुल व त्याचप्रमाणे ई रिक्षेच्या जे वाटप यादी तयार झालेली आहे, आज आम्ही 8 महिन्यापासून ऐकत असतो की पवनीकर यांची यादी तयार झालेली आहे, बस यांना वाटप करायचे आहे। तर माझी हेच विनंती आहे की तुम्ही त्वरितमध्ये ई रिक्षा वाटप करा व ई रिक्षा वाटपमध्ये जे अट तुम्ही शर्ती ठेवलेली आहे ते रद्द करण्यात यावी, कारण की आज दिव्यांग बांधवांचं फिजिकल होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना लायसन अनिवार्य नाही आहे। 3 ते 4 दिवसामध्ये नागपूर नगरीचे आयुक्त यांनी आमची अगर सकारात्मक बैठक अगर नाही घेतली तर आम्ही रास्ता रोको आंदोलन आणि आमरण उपोषण करणार। पिछले 27 तारीख से जाने पिछले कुछ 8-9 दिनों से ये दिव्यांग समिति संस्था है जो दिव्यांग लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। यहाँ कोई भी NMC का अधिकारी या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल रहे इनसे जाकर नहीं मिला। पिछले सैटरडे को जाने 4 तारीख को मेरे को कॉल आया, इन लोगों में से कुछ मेरे जान पहचान के हैं, तो मैं जाकर मिला और इनकी समस्या इनसे पूछी। इनने मुझे निवेदन दिया कि हम पिछले 8 दिन से बैठे हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा है। इनकी एक मांग है कि दिव्यांगों के व्यक्तियों की एक कमेटी बनना चाहिए। इनकी दूसरी मांग है कि दिव्यांगों का जो घरकुल की समस्या है वो करना चाहिए, दिव्यांगों की जो निधि है वो वाटअप करना चाहिए, दिव्यांगों का जो ई रिक्शा वाटअप है जो बहुत दिन से थमा हुआ है उसको वाटअप करना चाहिए। उसी को लेकर हमने यहाँ एक निवेदन, एक आंदोलन, एक नारे निर्देशन की शक्ल में आज हम यहाँ NMC के कमिश्नर से मिलने आ रहे थे, जो कि हमने कल से मैसेज चलाया हुआ था तो इनको पता चल गया कि हम आ रहे हैं। तो ये कोई G20 की मीटिंग, कोई बोल रहा है कि छुट्टी पे है, कोई बोल रहा है होली की छुट्टी पे चले गए, तो इन लोगों ने हमसे मिलने का टाइम नहीं दिया ना हमसे मिला। ऐसे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और एक्स कॉरपोरेटर दिनेश यादव जो कि खुद हैंडीकैप है वो भी हमारे साथ आए थे, हमारे रवि पोनीकर जी, इमरान भाई, उमेश भैया और हमारे नेता विवेक निको थे, और ऐसे हमारे सभी हमने आज कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के बैनर पे इनका आंदोलन किया। यहाँ पे से 2 उप आयुक्त आकर हमसे मिले और उनने हमको बोले कि 3 दिन बाद हम आपकी मीटिंग कमिश्नर साहब से कराएंगे, जो हमने उसका आदर करते हुए हमारा ये आंदोलन तोड़ा है। और हम ऐसे कमिश्नर साहब और NMC के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जो हैंडीकैप है इन लोगों को आपके ऑफिस में चढ़ने को तकलीफ़ होती है तो उसकी भी कुछ सुविधा करिए, और ये भी हमारे हिस्सा है, ये हैंडीकैप और दिव्यांग है तो ये इंसान है, ये समझिए। और ये आमरण अनशन पर अभी भी बैठे हैं तो आप आकर मिलिए और इनका अनशन तोड़िए। काम नहीं करते हैं और उनसे घूस मांगते हैं, आज वो मरने के लिए वहाँ उनको छोड़ा गया लेकिन उनका नहीं पूछा जा रहा है। इन लोगों ने मुझे निवेदन दिया, आज हमारे साथ दिनेश भैया जो खुद हैंडीकैप है, जो एक कॉरपोरेटर है, रवि पुनेकर जी, हमारे दुर्गेश भैया और जितने भी मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं,
इनकी समस्या बहुत सारी है और ये हम लोग कुछ लोग हैं इनके पीछे 60-70 हर एक के पीछे मजमा है। अगर से हम मजमा जमा करने बैठे तो ये 1000-1500 लोग का है, लेकिन हम यहाँ सहनशील थे, एकदम सहनशीलता से आए थे, कमिश्नर साहब से मिले और हमारी मांगे पूरी करने की निवेदन देना चाहते हैं, लेकिन हमको निवेदन के लिए यहाँ 4 जन को अगर से भेजने की बोलेंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पूरों के साथ, नहीं तो नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।